देश के प्रसिद्ध कथावाचक सीहोर वाले गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से बेटवा नगर में होने वाली शिव महापुराण कथा के स्थल का भूमि पूजन कार्यक्रम 5 फरवरी रविवार को मंडी प्रांगण में विधायक विशाल पटेल की अध्यक्षता में किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम के उपरांत कथा व्यवस्था को लेकर एक बैठक भी आयोजित की गई, जहां आयोजन समिति के सभी प्रमुख पदाधिकारियों व सदस्यों के साथ गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बेटमा में होने वाली शिव महापुराण कथा को लेकर रविवार को स्थानीय मंडी प्रांगण में विधायक विशाल पटेल ने धर्म ध्वजा की पताका गाड़ते हुए कथा का विधिवत भूमि पूजन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विद्वान ब्राह्मणों समाज सेवियों व श्रद्धालुओं की उपस्थिति में किया। बेटमा में सीहोर वाले गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी यहां शिव महापुराण कथा का वाचन 28 फरवरी से 6 मार्च तक दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक करेंगे। विधायक विशाल पटेल ने कहा कि कथा भव्य एवं ऐतिहासिक रूप से होने जा रही है। अब तक गुरुजी जितने भी स्थानों पर कथा कर चुके हैं उन सब में बड़ा पांडाल देश और प्रदेश का सबसे बड़ा पांडाल बेटमा में बनने जा रहा है। श्रद्धालुओं के लगातार संपर्क से शायद यह स्थान भी छोटा पड़ जाए। कथा के दौरान पार्थिव शिवलिंग, फाग उत्सव, भजन संध्या, खाटू श्याम पांडाल तथा 7 दिनों तक बैठमा में मेला भी लगेगा। वहीं अब कथा की तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आज हम लोगों ने भूमि पूजन का कार्य किया है। गुरुदेव की कथा महाशिवपुराण 28 फरवरी से 6 मार्च बैठमा में होने जा रही है। उसी क्रम में हम लोगों ने इस प्रांगण का, जिसमें भव्य पांडाल लगने वाला है, उसका भूमि पूजन किया और अनेक वर्ग, सभी समाज के हर एक वर्ग यहाँ आया और सब ने पूर्णतः मुझे विश्वास दिलाया कि हम सब इसमें सहभागी हैं। हम सब 7 दिन पूरे उत्साह की तरह हम लोग मनाएंगे, जैसे हमारे घर में कोई त्यौहार हो। हर एक व्यक्ति ने मुझे आश्वासन भी दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से बेटमा हमेशा एक इतिहास रचता है, इस बार भी इस कार्यक्रम में इतिहास रचेगा। और अभी तक की जितनी कथाएं गुरुदेव की हुई, जो पांडाल हम लोगों ने देखे, उस सबसे बड़ी जगह हम लोगों ने यहाँ इस बार चुनी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये संपूर्ण 19 बीघा की जो ज़मीन है ये भी कम पड़ने वाली है। गुरुदेव जो उपाय बताते हैं उस उपाय से कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को बड़ा लाभ मिलता है। और मैं खुद स्वयं और मेरी धर्मपत्नी, हम दोनों ही संपूर्ण बेटमा क्षेत्र में घर घर जाकर निमंत्रण भी देने वाले हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कार्यक्रम पूरा सफल होगा। सुबह पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी होगा, फाग उत्सव भी होना है, भजन संध्या भी होना है, खाटू शाम की भजन संध्या भी होना है। अनेक ऐसे कार्य हैं जो रोज दिन भर के लिए आम जनता जो यहाँ आएगी वो पूरी कहीं ना कहीं व्यस्त रहेगी। धार्मिक और पूरा धर्म को कैसा, धार्मिक कैसे लाभ ले सकें और कैसा हम आम जनता को, आम व्यक्तियों को लाभ पहुँचा सकें, उत्तर सब की व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ करी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुबह से लगाकर रात तक यहाँ पांडाल में हर एक व्यक्ति जो आएगा वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसका कल्याण भी होगा, सुख शांति और समृद्धि उसके घर में होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।